चैनल फिनॉज पे आज हम लोग इस वीडियो में आपको रिलायंस कैपिटल को लेके जो अपडेट आया है वो देने चाहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो हमेशा अच्छे वाले स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। रिलायंस कैपिटल के बारे में हम लोगों ने 2 दिन पहले आपको अपडेट दिया था, जहाँ पे ये बताया था कि एसेट मोनेटाइजेशन होने वाला है रिलायंस कैपिटल का। और उस समय जो है फिलहाल ये नाम नहीं आया था कि कौन ये सब जो है एसेट मोनेटाइजेशन में पार्ट लेंगे और किसके द्वारा बेचा जाएगा। तो हम लोग वही चीज़ जो आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं, जो कि अभी अपडेट आ चुका है। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, कोशिश करेंगे आपको अच्छा वाला इन्फॉर्मेशन देने के लिए। 6 महीना पहले अगर हम लोग देखते हैं, स्टॉक का प्राइस रिलायंस कैपिटल का 3.95 के आसपास पहुंच गया था। उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक में तेज़ी आया था। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जो है अच्छा खासा एक तेज़ी दिखाया था और यहाँ पे 13 रुपीज़ के आसपास भी स्टॉक पहुँच गया था। तो अगर आपने रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट किया रहेगा तो आपको पता रहेगा कुछ महीना पहले रिलायंस कैपिटल जो है 100% के ऊपर भी जो है रिटर्न दे दिया था, 100% के ऊपर रिटर्न दिया था, जो कि एक अच्छा रिटर्न था। उसके पीछे रीज़न यही था दोस्तों कि रिलायंस कैपिटल के जो है स्टेक्स खरीदा गया था HDFC द्वारा, और इसके अलावा रिलायंस कैपिटल के जो बाकी कंपनीज है ADAG के, जैसे कि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, उसमें भी जो है एक अच्छे खबर आ रहे थे, जहाँ पे ADAG का जो ओनर है मिस्टर अनिल अंबानी जी, उन्होंने बताया था कि स्टेक बढ़ा दिया जाएगा रिलायंस पावर में, रिलायंस इंफ्रा में। उसके बाद रिलायंस ADAG के जितने भी स्टॉक्स है आरकॉम को छोड़ के, आरकॉम में तो अलग इश्यूज चल रहा था, जहाँ पे आरकॉम और जियो के डील को लेके स्टॉक में तेज़ी आया था, और बाकी जो स्टॉक्स है ADAG में उसमें जो है अच्छा खासा तेज़ी आ गया था। रिलायंस कैपिटल जो कि ADAG ग्रुप का एक बहुत बड़ा कंपनी जो है रिलायंस कैपिटल है, और इसमें जो है अभी एसेट मोनेटाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि जो भी अमाउंट्स या फिर ड्यूज़ है रिलायंस कैपिटल को लेके वो नहीं चुकाया जा रहा है या फिर नहीं चुकाया गया है रिलायंस कैपिटल के ओर से। उसके चलते कुछ कंपनी सामने आए हैं और अभी जो है बातचीत चल रहा है कि उसका जो एसेट्स है वो मोनेटाइज किया जाएगा और उसके बाद जो है ड्यूज़ लिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो ये सब काम देखेगा या फिर बेचेंगे रिलायंस कैपिटल कैपिटल के एसेट्स को, उसका नाम भी जो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कंपनीज यहाँ पे आए हैं। तो 6 महीने का अगर हम लोग ग्राफ देखते तो 6 महीने में 3 रुपये का स्टॉक जो है 13 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया था। उसके बाद 1 महीने के यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते तो 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 10.10 के आसपास चल रहा था, और यहाँ पे हम लोग देखते तो स्टॉक में जो है यहाँ पे 10.70 पहुँचा। उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में जो गिरावट आया, मतलब 10 रुपीज़ से लेकर स्टॉक जो है अभी देखते तो हम लोग 7.80 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 5 डेज़ का इन्फॉर्मेशन देखते तो 5 डेज़ में भी जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 डेज़ में स्टॉक में गिरावट कंटिन्यूअस देखने को मिला है। बीच में जो है स्टॉक 8.20 तक पहुँचा था मजबूती के साथ, फिर से इसमें जो है गिरावट देखने को मिला है। जैसे कि हम लोग को पता है अभी कुछ दिन से जो है स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा एक जो है बिग वाली हम लोग देख रहे हैं, बिग वाली ज़्यादा जो है ज़्यादातर स्टॉक्स में जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में जो है लॉस भी हम लोग को देखने को मिला है। तो रिलायंस कैपिटल में वो तो है ही, अभी जो है सेलिंग प्रेशर बना हुआ ही है, और उसके चलते रिलायंस कैपिटल में जो अपडेट आया है उसके चलते भी स्टॉक में जो है गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था कि रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पे KKR जो है एक अच्छा खासा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं रिलायंस रिटेल में, जाओ जो मुकेश अंबानी जी का है। अभी यहाँ पे जो है और भी एक अपडेट आया है, जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में और भी जो है इन्वेस्टर्स है वो भी अभी जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं ये जो ADAG है ये अनिल अंबानी जी का है, मुकेश अंबानी जी का नहीं है। तो अनिल अंबानी जी के जो स्टॉक्स है उसमें कंटिन्यूअसली एक गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है, दिक्कत बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों रिलायंस कैपिटल में बाकी जैसे कि कुछ कंपनीज है तो उसमें जो है एसेट मोनेटाइज किया जाएगा, और वही जो खबर हम लोग आपके साथ अभी शेयर करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो पे बने रहिए, KPP स्किप मत कीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि LIC और EPFO बेचेंगे अनिल अंबानी का कंपनी रिलायंस कैपिटल की संपत्ति लोन वसूलने के लिए। तो ये अभी फैसला लिया गया कि LIC और EPFO जो है ये दो कंपनी मिलके अनिल अंबानी जी का जो कंपनी है रिलायंस कैपिटल, उसके जो एसेट्स है उसको बेचा जाएगा, क्योंकि इन लोगों का जो है ज़्यादा इसमें जो है अमाउंट दिया गया है रिलायंस कैपिटल को, बट वो अभी तक चुकता नहीं कर पाए अनिल अंबानी जी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आगे का जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि एक समय दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी के कर्ज में अभी चल रहा है, ये तो सबको पता है। हाल ही में कंपनी डिवेंचर होल्डर्स और अन्य कर्जदाताओं का लोन चुकाने में डिफॉल्ट कर चुका है। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि कंपनी जिन एसेट्स को बेचना जा रहा है उसमें से आप देख सकते हैं रिलायंस सिक्योरिटीज, रिलायंस हेल्थ और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है।
जहाँ पे पूरी हिस्सेदारी शामिल है। इसके अलावा रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी कंपनी की 49% हिस्सेदारी है। तो ये जो तीन चार कंपनी है उसको फुल जो है हिस्सेदारी बेचा जाएगा, कंप्लीट हिस्सेदारी बेचा जाएगा, जहाँ पे नाम जो है रिलायंस सिक्योरिटी और रिलायंस हेल्थ और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, इसको छोड़ के भी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस में जो 49% का हिस्सेदारी है वो भी बेचा जाएगा। इसे भी अनिल अंबानी को बेचने जा रहा है। ये कंपनी देश के 5 टॉप प्राइवेट बीमा कंपनी में से एक है। तो बहुत बड़ा जो है ये कंपनी है जिसको ये लोग बेच रहे हैं अभी, 5 टॉप बीमा कंपनी में से एक है देश का। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे देखते हैं तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड पर EPFO और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मतलब LIC की एक बहुत बड़ा रकम जो है जो अभी तक रिलायंस के ओर से नहीं चुकाया गया, अनिल अंबानी जी के नहीं चुका, अनिल अंबानी जी जो अभी तक नहीं चुका पाए। अकेले APF का अगर हम लोग रिलायंस कैपिटल पर हिस्सेदारी देखते हैं वो करीबन 2500 करोड़ के आसपास बकाया है। कर्जदाताओं ने SBI कैप्स और जिसमें जो है JM फाइनेंशियल के अनिल अंबानी को कंपनी के बीमा कारोबार को बेचने की जिम्मेदारी दी है। तो अभी तो ये दोस्तों ये फाइनल हो गया कि रिलायंस कैपिटल का जो भी हिस्सेदारी है या फिर रिलायंस कैपिटल के जो 4-5 टॉप कंपनीज है उसको बेचा जाएगा, क्योंकि जो भी अमाउंट है वो नहीं दिया गया और जो भी लोन लिया था उसमें डिफॉल्ट भी कंटिन्यूसली रिलायंस कैपिटल से किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस कैपिटल पर जो है टोटल जो एक कर्ज है वो है करीबन 19,806 करोड़ रुपये का। इसमें से 1500 करोड़ रुपये का कर्ज सिर्फ डिवेंचर होल्डर्स का है। तो जो डिवेंचर होल्डर्स है उनका कर्ज सिर्फ 15,000 करोड़ जो है जो अमाउंट है वो सिर्फ डिवेंचर होल्डर्स का है और टोटल 19,806 करोड़ रुपये से। तो बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है डिवेंचर शेयर होल्डर्स का है। तो यहाँ पे अभी जो बात निकल कर आ रही है या फिर जैसा अभी खबर निकल के आ रहा है कि ये दो कंपनी को दिया गया है रिलायंस कैपिटल का एसेट मोनेटाइजेशन किया जाए और जो भी इनका ड्यूज है वो कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बहुत दिन से जो है रिलायंस कैपिटल में दिक्कत आ रहा था या फिर रिलायंस कैपिटल में जो है जो ड्यूज है वो पूरा नहीं किया जा रहा था, कंप्लीट नहीं किया जा रहा था। बहुत बार जो है रिलायंस कैपिटल की ओर से डिफॉल्ट किया गया कंपनीज को जो है उनका कर्ज चुकाने के लिए। उसके चलते जो है अभी ये अपडेट आया है या फिर ये जो है निर्णय लिया गया है कि रिलायंस कैपिटल के जो बड़े बड़े कंपनीज है उसका एसेट मोनेटाइजेशन किया जाए और उसके अलावा निप्पॉन लाइफ में जो है 49% का जो हिस्सेदारी है वो भी बेचा जाए, उसके बाद जो है इसका एसेट और जो है सब मिला के जो भी अमाउंट बनता है उसके द्वारा जो इनका बकाया है वो चुका जाए। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिलायंस कैपिटल के बारे में जो एक छोटा सा अपडेट आया वो आपको दिया जाए। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि हिंडालको स्टॉक में शायद से थोड़ा अपडेट आ सकता है या फिर हिंडालको में जो है हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो बना के आपको टारगेट प्राइस देने का उसका, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मुनाफा मिल जाए। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर